हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमिताभ राजपूत। वेलकम सी आयुष्मान क्लासेस। जैसा कि आपको मालूम है कि सीएसआईआर नेट गेट आईआईटी जेम और बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए मैंने अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो कोर्स है वो शुरू किया है। तो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हम लोग ग्रुप थ्योरी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें सीखी थी कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, ग्रुप क्या होता है, उसके डेफिनेशन हम लोगों ने सीखा था। कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने किए थे। आज उसके बारे आगे की बात हम लोग करेंगे। तो मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का तरीका ये होता है कि जहां पर वीडियो देख रहे हैं मोबाइल पे, उसी वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब लिखा हुआ रेड कलर का बटन है, उसको आप दबा लें और एक बेल का आइकन आएगा, घंटी का चिन्ह आएगा, उसको दबा लेंगे तो मेरे वीडियो जब भी पढ़ेंगे तुरंत आपको अपडेट उसका मिल जाएगा। ठीक है, और इसका कोई चार्ज नहीं होता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा आगे की बात क्या है। व्हेन एवर वी चेक वेदर अ गिवन सेट जी इज अ ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू स्टार इज एन ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, वी प्रोसीड एज फॉलोज। ठीक है, किसी मालिक हमें नॉन एम्प्टी सेट दे दिया जाए और एक ऑपरेशन दे दिया जाए और हमें पता करना हो कि ये ग्रुप है कि नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप वन है क्लोजर प्रॉपर्टी में चेक करना पड़ेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, वेरीफाई दैट ए स्टार बी स्टार ऑपरेशन है, ये एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और भी बहुत तरीके का ऑपरेशन हो सकते हैं इसमें से। मैंने जनरल एक साइन लिखा स्टार। ठीक है, स्टार मतलब ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन है। तो पहले मुझे क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करना होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी की होती है वेरीफाई दैट ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। उस जो नॉन इम्प्टी सेट दिया हुआ है उसमें से कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाएं और उस पर उस ऑपरेशन को अप्लाई करवाएं, जो आउटपुट आया वो फिर से अगर जी में बिलोंग करे, उसी सेट में बिलोंग करे, तो हम कहते हैं कि ये क्लोज्ड है विथ रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार। ये सेट क्या है, क्लोज्ड है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, पहला कंडीशन। दूसरा स्टेप ये होता है एसोसिएटिविटी चेक करना पड़ता है। वेरीफाई दैट ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। उस सेट में उस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तीसरा चीज हमें क्या चेक करना पड़ता है, रेजिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फाइंड सम ई बिलोंग्स टू जी, आइडेंटिटी को हम ई से लिखते हैं। ये ई कभी कभी जीरो होता है, कभी वन होता है, कभी कुछ होता है। जैसे एडिशन के लिए कभी जो सेट ऑफ इंटीजर्स अगर हम ले लें तो जीरो होता है ना। तो ये सेट पर डिपेंड करता है कौन सा सेट ले रहा है, कौन सा ऑपरेशन ले रहे हैं हम लोग। तो अगर मुझे एक ऐसा एलिमेंट उस सेट में मिल जाए ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई, उस एलिमेंट को हम किसी भी आर्बिट्ररी एलिमेंट पे राइट में अप्लाई करवाएं या लेफ्ट में अप्लाई करवाएं, रिजल्ट ए मिलना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो हम लोग बोलते हैं कि आइडेंटिटी उस सेट की एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए अगर उस सेट को ग्रुप होना है उस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। और अंतिम बात स्टेप फोर, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, फाइंड सम बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई, है ना। उसमें जो सभी एलिमेंट्स के हम क्या एग्जिस्ट करने चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर ये चार प्रॉपर्टी होल्ड करती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो हम कहते हैं कि वो जो नॉन एम्प्टी सेट जी है ऑपरेशन स्टार के रेस्पेक्ट में क्या है, ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है फ्रेंड, देयर इज वन इंपॉर्टेंट नोट, द एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल्ड फॉर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, hence it holds for any subset s of the complex number. Similarly, commutative law holds for the multiplication and addition of complex number. So if it is a group, it will be abelian. इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, जैसे हमको ग्रुप चेक करने में जो हमारा जो पहला कंडीशन ये होता है कि हम चेक करते हैं कि क्लोज्ड है कि नहीं, क्लोजर लॉ चेक करते हैं। दूसरा हम लोग क्या चेक करते हैं, एसोसिएटिव लॉ चेक करते हैं। तो जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट लिया, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो दो हमने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो होता है ना, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। मतलब जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री इज इक्वल टू व्हाट, जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड करता है तो इसका कोई सबसेट ले लें। इसका सबसेट जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सभी इसके सबसेट्स होते हैं। तो जब बड़े वाले सेट में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है तो इसके किसी भी सबसेट में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। तो जब सेट बदला जाएगा, मतलब जैसे हमको इंटीजर्स में ले लूं और उस पर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ले लूं, तो मुझे एसोसिएटिव लॉ चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े वाले सेट में ऑलरेडी हम लोग दिखा चुके हैं, बता चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो
तो उसे किसी भी सबसेट में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। तो जब भी उस तरीके ग्रुप चेक करने की बारी आएगी, इसके किसी सबसेट के लिए ग्रुप चेक करने की बारी आएगी, तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करने की जरूरत नहीं, हम लोग उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आगे पिक कर सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है, मीन्स जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू वॉट, जेड टू प्लस जेड वन, या जेड वन इंटू जेड टू इज इक्वल टू जेड टू इंटू जेड वन। तो एडिशन के लिए भी और मल्टीप्लीकेशन के लिए भी एसोसिएटिव लॉ और हमारा जो होता है कम्यूटेटिव लॉ, ये दोनों होल्ड करता है। इसलिए इसका किस कोई भी सबसेट लेंगे तो वो उसमें एसोसिएटिव लॉ आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। और दूसरी बात, अगर मैंने कल बताया था कि अगर कोई जो सेट है जिसमें कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है तो उसको हम लोग अबेलियन ग्रुप कहते हैं। तो अगर कोई सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है जिसको हमने ग्रुप प्रूव कर दिया है तो वो निश्चित रूप से कौन सा ग्रुप होगा, अबेलियन ग्रुप होगा, ये हमारा नोट है। ठीक है, अगला बात देखिए क्या केली टेबल है ना। केली टेबल क्या है, इन केस ऑफ फाइनाइट सेट्स ऑफ स्मॉल ऑर्डर टू प्रूव दैट दे आर ग्रुप्स इट इज कन्वीनियंट टू मेक द मल्टीप्लीकेशन टेबल, या उसी का नाम होता है कंपोजिशन टेबल, या उसी का नाम क्या होता है, केली टेबल। जब हमारे पास जो है ना फाइनाइट एक फाइनाइट सेट हो और स्मॉल ऑर्डर का हो, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, कम हो, एक तो पहली बार फाइनाइट सेट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट कम हो, तो उसमें हम लोग केली टेबल अगर बना ले, जो है केली टेबल अगर मुझे बनाना आता हो तो हमें ग्रुप चेक करने में काफ़ी सुविधा हो जाती है, बड़ी आसानी हो जाती है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं ये केली टेबल कैसे बनाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग केली टेबल को देखते हैं। मैंने एक सेट लिया, लेट जी इज इक्वल टू वन माइनस वन आई माइनस आई, है ना, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, यूनिटी का फोर्थ रूट निकाला जाए तो वन माइनस वन आई और माइनस आई आता है। आई जो सिंबल इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब होता है आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे। तो देखिए केली टेबल कैसे बनाते हैं, ऑपरेशन मैंने मल्टीप्लीकेशन कर लिया जिसको मैंने स्टार से डिनोट किया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टार लिख दिया और इधर एलिमेंट्स को लिख दिया वन माइनस वन आई माइनस आई, और इधर भी एलिमेंट्स को लिख दिया वन माइनस वन आई और माइनस आई। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले वन को वन में मल्टीप्लाई किया वन, वन इंटू माइनस वन माइनस वन, वन इंटू आई आई, वन इंटू माइनस आई माइनस आई, फिर माइनस वन को मल्टीप्लाई किया तो माइनस वन इंटू वन माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस वन वन, माइनस वन इंटू आई माइनस आई, माइनस वन इंटू माइनस आई दैट इज इक्वल टू आई। फिर मैंने आई से मल्टीप्लाई किया तो आई इंटू वन आई, आई इंटू माइनस वन माइनस आई, आई इंटू आई आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई माइनस वन, आई इंटू माइनस आई तो कितना आ जाएगा प्लस वन, फिर माइनस आई से क्या तो माइनस आई इंटू वन दैट इज माइनस आई, और माइनस माइनस कितना हो प्लस आई इंटू वन दैट इज आई, माइनस आई को आई से किया तो आई स्क्वायर माइनस वन होता है, माइनस लगा हुआ तो प्लस वन हो जाएगा, और माइनस आई इंटू माइनस आई माइनस माइनस प्लस हो गया, और आई स्क्वायर कितना होता है माइनस वन। तो ये मैंने केली टेबल बनाया, ठीक है, इस तरीके से हम लोग केली टेबल बनाते हैं। इधर जो सेट दिया होगा उसके एलिमेंट्स को इधर भी लिख देंगे, इधर भी लिख देंगे, और यहाँ पर ऑपरेशन को लगा देंगे, जिस तरीके से ऑपरेशन कहा गया उसको हम अप्लाई करते हैं, केली टेबल बनाते हैं। आइए देखो हम इसको पढ़ते कैसे, इसका हम फायदा कैसे लेते हैं ग्रुप को प्रूव करने में। सबसे पहले मैंने नोट लिखा है, इफ ऑल द एलिमेंट्स जी आई स्टार जी जे, इसको मैंने जी आई बोला, इसको जी जे, जी आई स्टार जी जे, ये सभी एलिमेंट जो ऑपरेट होकर आए आर इन जी, देन स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। इसमें ये कहा गया कि जो भी एलिमेंट्स ये ऑपरेट होकर आए हैं ये अगर सभी जी में बिलोंग करते हैं तो जो ऑपरेशन है स्टार, जो भी ऑपरेशन लिया वो कैसा होगा, बाइनरी ऑपरेशन। अब याद करिए ग्रुप प्रूव करने के लिए पहला कंडीशन ये हमें प्रूव करना है कि वो ऑपरेशन जो लिया हमने वो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर आप अगर नंबर्स को देखें, हम यहाँ पे एलिमेंट्स को देखें, वन माइनस वन आई माइनस आई, माइनस वन वन माइनस वन वन आई माइनस आई, आई माइनस आई माइनस वन वन माइनस आई, आई वन माइनस वन, ये सभी जो एलिमेंट्स आए वो कहाँ बिलोंग करते हैं, वो जी में बिलोंग करते हैं। इसमें जो ऑपरेशन स्टार हमने लिया था ये कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन है, तो एक कंडीशन प्रूव हो। दूसरा देखिए इसका फायदा क्या होता है, एन एलिमेंट जी आई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट इफ द कॉलम हेडेड बाय जी आई इज सेम एज द लेफ्ट मोस्ट कॉलम, एक बात ये, और दूसरी बात एंड द रो करेस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट जी आई इज सेम एज द टॉप मोस्ट रो। देखिए अगर मैं बात करूं, अगर मैं वन की बात करूं तो देखिए इसमें जो इसका जो ये कॉलम है ना वन माइनस वन आई माइनस आई, वो एकदम लेफ्ट मोस्ट कॉलम से मैच करता है, वन माइनस वन आई माइनस आई से मैच करता है। इसमें कहा गया है कि एन एलिमेंट जी आई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर हम मान लो हम वन को आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग तब बोलेंगे कि जब वन को हेडेड करने वाला, वन को रखने वाला जो कॉलम है, एन एलिमेंट जी आई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट इफ द कॉलम हेडेड बाई जी आई, जी आई जो वन इस कॉलम को हेड करता है, हेडेड बाई वन इज सेम एज द लेफ्ट मोस्ट कॉलम, ये जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम बनाया हमने इससे एक मैच करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात,
एंड द रो करिस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट जी आई, अब यहाँ रो को देखते हैं जिसमें वन है, ये है, तो इसको जो इसको कंटेन करने वाला ये जो रो है वन माइनस वन आई माइनस आई, ये टॉप मोस्ट रो से मैच करना चाहिए, वन माइनस वन आई और माइनस आई से, एंड द रो करिस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट जी आई इज सेम एज द टॉप मोस्ट रो, इससे मैच कर जाएगा, तो हम लोग कहते हैं उस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। तो हमें चेक करना पड़ेगा जब भी हम कोई टेबल बनाएंगे तो उसमें हम देख लेंगे क्या कोई ऐसा एलिमेंट है कि जिसको कंटेन करने वाला जो कॉलम है वो लेफ्ट मोस्ट कॉलम से मैच करे और उसको कंटेन करने वाला रो टॉप मोस्ट रो से मैच करे। अगर ऐसा होता है तो उस एलिमेंट को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। तो फिलहाल इस सेट की आइडेंटिटी कौन होगी, वन। वन को किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे सेम एलिमेंट फिर से वापस आएगा, इसलिए वन को हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। तो इस तरीके से केली टेबल देख कर भी हम पता कर सकते हैं कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, अगली बात है, इफ द आइडेंटिटी एलिमेंट ई अकर्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ आईथ रो एंड जेथ कॉलम एंड ऑल्सो एट द इंटरसेक्शन ऑफ जेथ रो एंड आईथ कॉलम देन जी आई एंड जी जे आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। अब आपने पता कर लिया कि वन हमारा जो था, वन हमारा क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट था, ये आपने पता कर लिया। अब आपको देखना है कि किसी इसमें कहाँ कहाँ वन आया, जैसे यहाँ पे वन आया है। ठीक है, देखिए वन स्टार वन कितना आ रहा है, वन मतलब आईथ रो और जेथ कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो कितना मिल रहा है, वन मिल रहा है। इसका मतलब वन एंड वन आर इनवर्सेज ऑफ ईच अदर, मतलब वन का इनवर्स कौन आया, वन आया, वन का इनवर्स कौन आया, वन आया। और देखिए वन कहाँ पे आया हुआ, यहाँ पे आया हुआ, वन कैसे आया, माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पर वन आया, मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करने पर वन आ रहा है। फिर हम देखिए हमने इस बात को बोला है, जरा इस सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ लें, आईथ रो एंड जेथ कॉलम के इंटरसेक्शन में मिले एंड ऑल्सो, अब एंड ऑल्सो एट द इंटरसेक्शन ऑफ जेथ रो एंड आईथ कॉलम पे अगर आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, एक बार आईथ रो और जेथ कॉलम और एक बार जेथ रो एंड आईथ कॉलम दोनों के इंटरसेक्शन पर अगर आइडेंटिटी एलिमेंट मिले तो जी आई और जी जे आपस में इनवर्सेज हो जाते हैं एक दूसरे के। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो पहले मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, अब क्या बात करूंगा सेकंड कॉलम और सेकंड रो दोनों में क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो माइनस वन का इनवर्स क्या हो गया, माइनस वन का इनवर्स भी क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस वन का इनवर्स कितना हो गया, माइनस वन हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गया, इनवर्स हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे वन आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये हमारा थर्ड रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो, और ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम, ये इसके इंटरसेक्शन पे है, इसके इंटरसेक्शन पे है थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम। ठीक है, थर्ड रो और फोर्थ कॉलम के इंटरसेक्शन पे वन मिल रहा है, तो अब और कहाँ मिलना चाहिए, फोर्थ रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन पे मिलना चाहिए। फोर्थ रो देख लो आप, ये है और थर्ड कॉलम कौन सा है, यहाँ पे भी वन मिल रहा है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो ये एलिमेंट है कौन कौन, हमारे किसके इंटरसेक्शन से मिला था, आई और माइनस आई के इंटरसेक्शन से मिल रहा था वन, इसका मतलब आई का इनवर्स कौन हुआ, माइनस आई, या माइनस आई का इनवर्स क्या हुआ, आई। इस बात को हम ऐसे लिखते हैं कि आई का इनवर्स कितना हो गया, माइनस आई, या माइनस आई का इनवर्स कौन हो गया, आई हो गया। ठीक है, केली टेबल देख के पता लगा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए वन मिल रहा था और ये वन मिल रहा था, और तो इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट है, देखिए वन का इनवर्स कौन हो गया, वन। ठीक है, वन का इनवर्स कौन हो गया, वन, और माइनस वन का इनवर्स कौन हो गया, माइनस वन का इनवर्स माइनस वन हो गया। तो ये सेल्फ इनवर्स है, हम कहते हैं ये सेल्फ इन्वर्टिबल है, वन का इनवर्स वन और माइनस वन का इनवर्स कौन हो गया, माइनस वन। ठीक है, आई का इनवर्स आपने क्या बताया, अभी आपने बताया आई का इनवर्स आपने बताया माइनस आई। ठीक है, आई का इनवर्स माइनस आई और माइनस आई का इनवर्स आपने क्या बताया, आई बताया। तो देखिए सबसे पहले हमने प्रूफ किया कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, दूसरी बात इसमें ये देखिए ये सभी जो कैसे नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, जस्ट मैंने आपको बताया था, तो दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी बात आइडेंटिटी एग्जिस्ट करके आइडेंटिटी कौन हो गया, वन। और चौथी बात सभी एलिमेंट्स से क्या एग्जिस्ट करते हैं, इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए जो ये हमारा सेट था जी इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या फॉर्म करता है, ग्रुप फॉर्म करता है। फ्रेंड्स हमारा अगला नोट है, इफ जी स्टार इज ए ग्रुप देन एवरी एलिमेंट ऑफ जी अपीयर्स एग्जैक्टली वंस इन एवरी रो एंड एवरी कॉलम इन द केली टेबल, दिस कंडीशन इज ओनली नेसेसरी एंड नॉट सफिशियंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ग्रुप है तो हर रो में और हर कॉलम में जी के एलिमेंट एग्जैक्टली एक बार आएंगे, ये कंडीशन नेसेसरी है। नेसेसरी का मतलब ग्रुप है तो ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा होगा तो ये ग्रुप होगा ये हम नहीं कह सकते हैं।
है ना, दिस इज नॉट ट्रू। अब देख लीजिए, वन माइनस वन आई माइनस आई, 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 वन माइनस वन आई माइनस आई। तो जी के जो एलिमेंट है ना, वो हर रो और हर कॉलम में एग्जैक्टली एक बार आए हैं। अगर ये ग्रुप है तो ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होगा तो ये ग्रुप हम इसको कहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसका एग्जांपल आपको दिखाएंगे। अगला हमारा नोट है, इफ द टेबल इज सिमेट्रिक अबाउट द मेन डायगोनल देन द ग्रुप इज अबेलियन। हमने जो आगे बात बताई थी, ग्रुप को अबेलियन कब कहते हैं, जब उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। केली टेबल देख के कैसे बताएंगे कि वो ग्रुप अबेलियन ग्रुप है कि नहीं है? तो देखिए, इसमें जो मेन डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट देखिए, ये डायगोनल है, मेन डायगोनल, इसको हम लोग बोलते हैं मेन डायगोनल। ठीक है, इसके अबाउट अगर सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, देखिए इसके ऊपर देखिए ये है, इस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ ये हमको इसको बोलेंगे ए वन टू, ए वन टू माइनस वन है तो ए टू वन पे कितना है माइनस वन, ये आई है तो इधर कितना आई है, ये माइनस आई है ये कितना माइनस आई, इधर माइनस आई ये माइनस आई, ये आई और यहाँ पे आई, यहाँ पे वन और यहाँ पे वन। तो इस मेन डायगोनल के अबाउट ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो हम कहते हैं कि ये ग्रुप, ग्रुप तो है ही और साथ में कैसा ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है। फ्रेंड्स, अब हम लोग ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ग्रुप के मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल करवाने वाला हूँ, इसलिए ऐसा इसलिए हम करवाने वाले हैं क्योंकि ये बेसिक है। अगर आप डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी तो आगे जो टॉपिक्स हैं ना वो पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा। तो उसमें मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप में, ग्रुप ऑफ नंबर्स। ठीक है, देखिए, जेड सेट ऑफ इंटीजर्स पे ऑपरेशन के लिए प्लस, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स ऑपरेशन प्लस, सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑपरेशन प्लस, एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और ऑपरेशन क्या है प्लस, आर ऑल ग्रुप्स। ठीक है, ये ग्रुप्स क्यों है, जरा आप सोचिए एक मिनट के लिए, इसको बिना देखे आप जरा सोचिए। देखिए, ग्रुप के लिए मैंने कहा था चार कंडीशंस होना जरूरी है। पहला क्या होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। तो आप जरा देखिए, किसी भी दो इंटीजर्स को हम ऐड करें तो जो रिजल्ट आता है वो भी क्या, वो इंटीजर आता है, बिल्कुल आता है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। दूसरा मैंने कहा था कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। तो बड़े सेट को मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं ना वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। और बाकी तो देखिए, सभी इसके सबसेट लिखे हुए हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सभी इसके सबसेट्स हैं। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, इसलिए ये सभी में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। ठीक है, तो सभी में देखिए, ये सभी ऑपरेशन जो है, ये सभी सेट के लिए बायनरी ऑपरेशंस हो गए और एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया। इन सभी की आइडेंटिटी जो है ना वो जीरो है। देखिए, किसी भी इंटीजर में जीरो को ऐड करें फिर से वही चीज आएगा, किसी रेशनल नंबर में जीरो को ऐड करें फिर से वही रेशनल नंबर वापस आएगा, किसी रियल नंबर में हम जीरो को ऐड करें फिर से वही रियल नंबर वापस आएगा, और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जीरो को अगर ऐड करें फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आएगा। इसलिए इस सारे सेट की इस ऑपरेशन प्लस के रेस्पेक्ट में, एडिशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जो जीरो है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, और अगर इनवर्स की बात करें, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स में मैं कहा टू, तो टू का टू में हम क्या ऐड करें कि हमारा जो रिजल्ट आए वो आइडेंटिटी आए, आइडेंटिटी आपने क्या होता है जीरो, तो वो कौन सा है माइनस टू, क्या माइनस टू बिलोंग करता है जेड में, बिल्कुल बिलोंग करता है, तो टू का इनवर्स कितना हो गया माइनस टू। इसी तरीके से थ्री का इनवर्स कितना हो गया माइनस थ्री, फोर का इनवर्स कितना हो गया माइनस फोर, इसका मतलब सभी एलिमेंट्स इसके क्या है, इन्वर्टिबल है। इसी तरीके से कोई रेशनल नंबर हम ले लें, जैसे वन बाई थ्री ले लिया, तो क्या ऐड करें कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है जीरो है, तो वो नंबर कौन सा है माइनस वन बाई थ्री, तो हम कहते हैं वन बाई थ्री का इनवर्स कितना हो गया माइनस वन बाई थ्री। इसी तरीके से कोई भी रेशनल नंबर लें उसका हमेशा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसके इनवर्स सभी के इनवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये चारों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसलिए ये जो सारे सेट्स हैं, ये जो सारे स्ट्रक्चर्स मैंने लिखे हैं, ये सभी ग्रुप को फॉर्म करते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल इज जेड प्लस क्यू स्टार, सॉरी जेड स्टार क्यू स्टार आर स्टार सी स्टार, जहां पर जो स्टार है ना वो ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन को डिनोट किया गया, आर ऑल मोनॉइड्स। देखिए, मोनॉइड्स मैंने किसको बताया था कि अगर जो शुरुआती तीन प्रॉपर्टी होल्ड करता हो, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता हो, क्लोजर, दूसरा क्या था, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता हो और आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती हो, है ना, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती हो, यहां तक इन तीनों को हम क्या बोलते थे, मोनॉइड बोलते थे। ठीक है, तो ये सभी मोनॉइड है, इसका मतलब कि इसमें प्रॉब्लम किस में है, प्रॉब्लम इनवर्स में है, चौथी प्रॉपर्टी को ये होल्ड नहीं करते, इसलिए इनको हम ग्रुप नहीं बोल सकते हैं। देखिए, अभी जो सेट जस्ट पहले एग्जाम्पल लिया था उसमें भी सेट यही थे, लेकिन ऑपरेशन किसका था, एडिशन का था, तो वो ग्रुप बन गया था। लेकिन अब जब ऑपरेशन हमने बदल दिया, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ले लिया, अब ये ग्रुप फॉर्म नहीं करते हैं, अब ये मोनॉइड फॉर्म करते हैं। मोनॉइड कौन सा, शुरुआती तीन प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, चौथी प्रॉपर्टी इनवर्स वाली होल्ड नहीं करती। आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है।
देखिए कह रहा है वन बीइंग द आइडेंटिटी एलिमेंट, किसी भी कोई भी इंटीजर ले लो आप, कोई भी रेशनल नंबर ले लो आप, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट फिर से वापस आ जाता है, इसलिए वन तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और हमने ये कहा भी था कि देखिए किसी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करें इंटीजर आएगा, किसी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें रेशनल नंबर आएगा, किसी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें रियल नंबर आएगा, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। इसलिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी वो होल्ड कर गई। मैंने एसोसिएटिव लॉ शुरू में ही बता दिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, चाहे तो एडिशन के रेस्पेक्ट में चाहे मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में, तो ये तो इसके सभी सबसेट्स ही हैं, इसलिए एसोसिएटिविटी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी आपने वन बता दिया, अब प्रॉब्लम किसमें आती है, इनवर्स की बात करते हैं। ठीक है, इन जेड ओनली द एलिमेंट वन एंड माइनस वन हैव द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, दस जेड स्टार ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन इज नॉट ग्रुप। देखिए कह रहा है वन और माइनस वन का इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है, उसके अलावा और किसी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा थ्री मैंने लिया, थ्री तो इंटीजर है, अब ऑपरेशन किसका लगा है मल्टीप्लीकेशन का, यहाँ मुझे फिल अप द ब्लैंक्स है और रिजल्ट क्या आना चाहिए आइडेंटिटी आना चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा वन बाई थ्री, क्या वन बाई थ्री इंटीजर है, क्या सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करता है, आंसर आप आएगा कि नहीं ये बिलोंग नहीं करता है, इसलिए थ्री का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस तरीके से किसी भी इंटीजर का हम इनवर्स करें की बात करें तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा एक्सेप्ट वन एंड माइनस वन, दो ही एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन ग्रुप अगर बनना है तो सारे एलिमेंट के क्या एग्जिस्ट करने चाहिए इनवर्स एग्जिस्ट करने चाहिए, इसलिए ये ग्रुप नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया, इन अब रेशनल नंबर्स की बात करते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में जीरो डज नॉट हैव एन इनवर्स, जीरो का इनवर्स सेट ऑफ रेशनल नंबर में, बाकी सभी रेशनल नंबर का इनवर्स तो आ जाएगा लेकिन जीरो प्रॉब्लम करेगा। अब आप बताइए जीरो में हम क्या मल्टीप्लाई करें, जीरो में क्या मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी कितनी है वन, तो जीरो में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वन कभी नहीं आएगा, इसलिए जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इन क्यू जीरो डज नॉट हैव एन इनवर्स एज देयर इज नो एलिमेंट एक्स ऑफ क्यू सच दैट जीरो इंटू एक्स इज इक्वल टू वन, दस क्यू स्टार क्यू मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन इज नॉट अ ग्रुप। सिमिलरली आर स्टार सी स्टार आर नॉट ग्रुप, क्योंकि इसमें भी तो जीरो आता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स में भी जीरो आता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जीरो आता है, तो जीरो के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इन जनरल एक हम रिजल्ट बना सकते हैं कि जिस भी सेट में अगर जीरो होगा और ऑपरेशन कौन सा होगा मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन होगा तो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स इसके आगे के जो एग्जांपल्स हैं मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, आज मैं लेक्चर को ये भी समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, और आपके कुछ सजेशंस हों तो आप जरूर लिख के मुझे आप बताएंगे जिससे मैं आगे सुधार कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।